देखते हैं कि फर्म जो है वो अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स अदा कर सकती है या नहीं इट इज अ अर ऑफ अ कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट्स डेट ऑब्लीगे बेस्ड ऑन इट्स करंट इनकम एंड बेसिकली इन वेन वी कैलकुलेट द टाइम्स इंटरेस्ट ऑन रेशो वी विल हैव टू टेक इन टू अकाउंट द ई बी आई टी ई बी आई टी इज द अर्निंग्स बिफोर द इंटरेस्ट एंड द टैक्सेस और इस ई को हम डिवाइड करते हैं टोटल इंटरेस्ट पेबल ऑन बॉन्ड्स एंड अदर डेट को सो नाउ इफ वी लुक एट द फॉर्मूला तो ई बी आई टी इज़ द अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को आपने डिवाइड करना है टोटल आपकी जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है उससे और ये रेशो जो निकलेगी इस ये वैल्यू बताएगी कि आपके पास कितनी कैपेसिटी है आप इंटरेस्ट को पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते राइट right? तो अगर आपकी जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है इफ दैट इज लार्जर देन द इंटरेस्ट एक्सपेंसेस तो टी आई ई आपको एक मायर देती है या इंडिकेटर की वैल्यू आती है और उस अगर वो पॉजिटिव नंबर है होल नंबर है ग्रेटर देन वन है तो इसका मतलब ये है कि आपको इतने गुना आपके पास पैसे हैं टैक्स जितना आपने देना है उससे ज्यादा बट इफ इट इज़ इन डेसिमल तो फिर इसका मतलब ये है कि आप के पास जो आपने अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है दे आर शॉर्ट ऑफ हाउ मच इंटरेस्ट यू हैव टू पे टी आई टाइम्स इंटरेस्ट अर्न अर्निंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सो ये एक और टर्म है जो कि इसके लिए इस्तेमाल होती है नाउ एज आई मैंशन अर्लियर जब आपकी ई बी आई टी यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस वैल्यू ग्रेटर है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस से तो आपका जो टी आई ए का नंबर है वो एक नंबर होगा जो कि ग्रेटर देन जीरो कोई वन होगा टू होगा थ्री होगा या इस तरह करके कोई नंबर आपके पास आएगा तो इसका मतलब ये है कि उतने टाइम्स आप एक, आपने जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं उनको बियर कर सकते हैं एंड फॉर एग्जांपल और अगर ये नंबर आपका कम है वन से कम आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इंटरेस्ट को पे करने के पैसे मौजूद नहीं है इफ़ वी लुक एट द अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए आई एम यूजिंग एन एग्जाम्पल सपोज वी आर हैविंग अ कंपनी एक्सवाई जी जिसके पास दस मिलियन डॉलर लिया है उसने फोर परसेंट डेट आउटस्टैंडिंग के ऊपर राइट फोर परसेंट के ऊपर उसने उसका डेट है फोर टेन मिलियन और टेन मिलियन उसके पास है कॉमन स्टॉक तो अभी जो कंपनी है वो प्लान कर रही है कि हमें मज़ीद और कोई लोन लेना चाहिए मगर वो लोन लेने के लिए अभी उसको ज़ाहिर है और एक्सपेंसेस बीयर करने पड़ेंगे इंटरेस्ट के फॉर्म में तो वो अपनी ईबीआईटी को कैलकुलेट करना चाहती है वो अपने इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना चाहती है वो अपना टी को कैलकुलेट करना चाहती है ताकि वो ये अंदाज़ा लगा सके कि उसके पास इंटरेस्ट अदा करने की कैपेसिटी क्या है ना जो अभी इंटरेस्ट है जो उसके पास दस मिलियन डॉलर का उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चल रहा है दैट इज़ अभी जो डेट है दस मिलियन डॉलर का उसके ऊपर जो इंटरेस्ट उसको अदा करना पड़ रहा है दैट इज़ फोर परसेंट ना फर्दर एक्सपैंड करने के लिए लोन उनको चाहिए डेट चाहिए तो उसके लिए उन्होंने पता किया कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर इश्यूइंग मोर डेट इज़ एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ सिक्स परसेंट तो जो इजाफी अभी उनको पैसे चाहिए वो अभी मार्केट के अकॉर्डिंगली उनको सिक्स परसेंट पे मिल सकते हैं कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इस साल के एंड पे जो डिविडेंड मिलेगी कंपनी की तरफ से दैट इज एट परसेंट प्लस कोई स्टॉक की कीमत में ग्रोथ आने वाला है सो इफ वी वी आर अस्यूमिंग दैट दीज ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग विद एक्स वाई जी कंपनी नाउ अब एडिशनल डेट इशू करना जा रही है टेन मिलियन का अगर वो कंपनी तो उसको टेन मिलियन के ऊपर ऑलरेडी वो फोर परसेंट दे रही है इजाफी टेन मिलियन के ऊपर उसको सिक्स परसेंट देना पड़ेगा तो हमने क्या किया हमने फोर परसेंट को टेन मिलियन से मल्टीप्लाई किया सिक्स परसेंट को टेन मिलियन जो आपने एक्स्ट्रा नया आप डेट जनरेट करने वाले हैं उसके साथ मल्टीप्लाई किया और आपने इन दोनों को जमा कर दिया तो आपके पास टोटल जो वैल्यू निकली है दैट इज वन मिलियन डॉलर्स एनुअल तो अभी जो इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से ये आपका टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो आपने पे करना है और आपकी जो ई बी आई टी है सपोज दैट इज़ अ टू बी थ्री मिलियन डॉलर तो अभी हमने टी आई ई की वैल्यू का फॉर्मूला देखा था टी आई ई रेशो का तो उसमें हम क्या करते हैं वी विल हैव द ई बी आई टी इन द न्यूमिनेटर एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस इन द डी नोमिनेटर सो बाई पुटिंग दीज नंबर्स जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किए हैं ई बी आई टी इज थ्री इंटरेस्ट एक्सपेंस इज़ वन मिलियन ई बी आई टी इज़ थ्री मिलियन तो आप इस इस रेशो को कैलकुलेट करते हैं दिस टर्न्स आउट टू बी थ्री इसका मतलब यह है कि एक्स वाई जी कंपनी के पास एनुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस को पे करने के लिए जितने पैसे चाहिए उससे तीन गुना ज्यादा तीन गुना पैसे उनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं सो दिस टी आई रेशो टेल्जास के टाइम्स uh, कितने टाइम्स आपके पास इजाफी मनी है या आपके पास नहीं है तो इन बोथ केसेस यू विल बी एबल टू कम अप विद एग्जैक्ट वैल्यू by calculating the TIE ratio.